भारतीय जनता पार्टी की ग्वालियरपुर विधानसभा से प्रत्याशी माया सिंह ने आज भी अपना जनसंपर्क जारी रखा। उनका जनसंपर्क सुबह से लेकर रात तक जारी रहा, जहां जगह जगह जनता के बीच जाकर उन्होंने अपने लिए वोट मांगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताने की बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लाडली बहना योजना को लाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहनों के लिए एक अलग ही कार्य किया है, जिससे उनके लिए आर्थिक संबल का कारण बनी है। साथ ही गैस सिलेंडर भी लाडली बहनों में सम्मिलित बहनों के लिए काफ़ी कम कर दिया गया है। ऐसे में एक बार फिर प्रदेश सरकार की द्वारा महिलाओं के लिए की जा रही घोषणाओं को लेकर और भी कार्य भविष्य में होने हैं। इसमें उन्होंने हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा से खटीक मोहल्ला में जनसंपर्क के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं, बच्चों, युवाओं के लिए कार्य करने के लिए संकल्पित है और जनता का आशीर्वाद ही मुझे मिल रहा है और आगे चलकर कई अन्य योजनाएं हैं जिनको प्रदेश सरकार लागू करने वाली है। इस बार फिर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार मतभेद में आ रही है। तो मैं चाहती हूँ आप अपना परिवार का, अपने जो रिश्तेदार हमारी विधानसभा में, उन सबका सहयोग हमें मिले। और मैं इन्हीं कम शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और पूर्व पार्षद धर्मेंद्र भाई साहब से आग्रह करती हूँ कि आप हम सबको मार्गदर्शित करें। गीता मेवा फरोश और मेरे सामने बैठी मातृशक्ति, मैं आपको नमन करती हूँ। बहनों, काफ़ी कुछ बातें तो धर्मेंद्र जी ने यहाँ आपके सामने रखी, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, राजनीति के क्षेत्र में महिलाएं पहले बहुत सक्रिय नहीं थी। और महिलाओं की सहभागिता स्वयं अपनी रुचि से यहाँ सब बैठी है और किसी से भी आप पूछ लो, हर महिला अपनी बात कहने के लिए तैयार रहती है और आ गई है। तो मेरे पास शब्द नहीं है। अच्छा, उनके काम की दृष्टि से भी जब आप उनके स्थान पर अगर आप चले जाते हैं तो वो दौड़कर घर से बाहर काम कर रही है, घर में कुछ भी उस काम को छोड़ के घर से बाहर बहने आ गई और उसने मुझे ले गई दिखाने के बाद, मामी जी ऐसा ऐसा है, ये तो बहुत बढ़िया है, अब ऐसा हो जाएगा तो क्षेत्र के लोगों के लिए और भी अच्छी सुविधा हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई के लिए का ये स्कूल है, वहाँ से अगर आप टीचर चाहिए, टीचर अगर यहाँ आ जाएंगे बच्चों की अच्छी पढ़ाई, तो छोटी छोटी बातें हैं उन बातों पर भी ध्यान देती हैं और आगे बढ़ रही हैं। बड़ी खुशी की बात, आज तक मैंने कभी ये नहीं सुना आपने महिलाओं को ये कहा कि चुनाव भले ही मैं लड़ रही हूँ लेकिन आप हैं प्रत्याशी। हाँ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं, वाकई में हम चुनाव के इन्हीं के बलबूते पर जो हमारे वोटर हैं, जो हमें वोट देते हैं, वो तो हमें चुनते हैं उनके, और अगर वो उनके जो क्षेत्र के विकास के लिए या उनकी इच्छा उसके के लिए हम काम नहीं करेंगे तो फिर वो हमें क्यों सहयोग करेंगे। अंततः अपने विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सिर्फ उनसे यही आग्रह करना चाहती हूँ कि अभी आपकी से मैं वोट मांग रही हूँ और जीतने के बाद आपके इच्छानुसार सबके साथ निर्णय करेंगे क्षेत्र के विकास के लिए।